आइए गीत और गीत के बाद कहते हैं अगर सब तमाम तरह का व्यंजन है चटनी न हो सब तमाम लोगों की तब तक खाने की इच्छाएं हैं तब तक भोजन का टेस्ट नहीं ये कट पीस हो जाए छोटा सा कट पीस मात्र 5 मिनट में प्रयास करूंगा आइए एक गीत बजा बजा बढ़िया अरे के जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जा गांव में बजा था जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए तेरे पैर की कोमलिया हट सोते भाग जगा जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए तो चांदी जैसा रंग है तेरा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है वो बाकी सब कंगन हमारे बात समझ में नहीं आ रही है आखिर ये पाकिस्तान भारत पे बार बार अटैक क्यों करता है क्योंकि ये साहित्यकारों का मंच है और यहां पर एक से एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैठे हुए हैं तो मैंने रुख किया कि सत्यता जाहिर की जाए बार बार वो पाकिस्तान मैं मंच से चेतावनी देता हूं उस पाकिस्तान को कह रहा हूं कि मित्र बने तो दिल में जगह है शत्रु तो मुल के दम होगा और एक हाथ में पुष्पहार और एक हाथ में बम होगा पाएगा सम्मान अगर तेरा दिल पाक साफ होगा और शत्रु बनकर अगर मिला तो तेरा पाक साफ होगा हमारे तमाम भाई लोग ऐसे हैं आए दिन ऐसी ऊंची हरकतें बॉर्डर पर होती है अभी दिवाली के दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जैसलमेर में सेना को संबोधित कर रहे थे बॉर्डर पर तो मैंने टेलीविजन पर जब देखा तो एक बात आई और मैंने आपके सामने पेश किया सुनाओ से महाराज कौन से के राम नाम की महिमा सारे दुनिया में है जानी
महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी आज हर घर में जीवित हैं। इसी राम नाम की महिमा को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आज लाल किले के प्राचीर पे खड़े होते हैं। तो देखिए एक बात याद आई कि राम नाम की महिमा सारे दुनिया ने है जानी और दुनिया के मशहूर हो गए मोदी हिंदुस्तानी। उसी राम नाम की वजह से मशहूर हो गए। राम नाम की महिमा सारे दुनिया ने है जानी तो दुनिया में मशहूर हो गए मोदी हिंदुस्तानी। छक्के छुड़ा दिए दुश्मन के दुश्मन माना हारी। क्या बात है, दुश्मन हारी मान गया। उसी जैसलमेर में उन्होंने एक बात कही थी, क्या कि रणबीज अकेले डटे रहे, रणबीज अकेले डटे रहे, साहस के तब फवारे थे और दुश्मन से बाजी हार गए हम अपनों से ही हारे थे। हमारे भारत में अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम कलाकार हैं, किसी पार्टी की बात नहीं करते, लेकिन सत्यता स्पष्ट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्या कि 370 और 35 ये 370 और 35 ये जब हटा तो सब बेहाल। दोनों धाराएं दोनों अनुच्छेद हटे, खलबली मच गई। तो 35 ए और 370 जब हटा तो सब बेहाल। और मांगेगा कश्मीर हमारी, मांगेगा कश्मीर हमारी तो खींच ही लूंगा खाल। मोदी जी ने एक चीज कहा, अरे पाकिस्तानियों, अरे पूरे तो अभिवादन। देखो मंच से सत्यता, गाना बजाना अलग की चीज है। आप सभी का आशीर्वाद, आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कि मांगेगा कश्मीर हमारे तो खींच ही लूंगा था, अरे पूरे पाकी को तुला पे तोले मेरा एक ही जैसा ऐसे बैठे हो जैसे हमारी श्रद्धांजलि में बैठे। तालियां तो बजाओ कम से कम, कलाकारों को लगे तो कि आप जिंदा हो, इतनी देर से झेल रहे हो। हमारे बीच में हमारे बहुत जघन्य मित्र आदरणीय संतोष जी, हालांकि देर से आए गुरु, हम ही लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। मैं चाहता हूँ संतोष भैया का सम्मान हो जाए और दीपू भैया से अनुरोध करता हूँ, अरे नहीं आ जाइए मंच पे, आ जाइए एक बार। देखिए आप पत्रकार, हम साहित्यकार हैं, और पत्रकार साहित्यकार जो साढ़ू साढ़ू होते, एक बार संतोष भैया के सम्मान में तालियां बजा दो। हाँ बिल्कुल इकट्ठा चढ़ा दू, नहीं एक एक पहला काम होता। नहीं
नहीं एक इनका दही दो घर में भाभी जी का पहना दे बहुत बढ़िया संतोष भैया कहते हैं यार कुछ कहा न करो हमारे लिए अरे बस हो गया हाँ ज्यादा मालाएं न पहनो मालाओं का वजन हमसे ज्यादा हो जाएगा हाँ हाँ आदरणीय श्री धर्मेंद्र शुक्ला जी उनसे निवेदन है मंच पे आ जाएं आइए शुक्ला जी अबे हम खुद जिंदा हैं सम्मान में तालियां बजाओ ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है लेकिन ये हमारे देश की विडंबना कि जिनके हाथों में कुछ नहीं उनको देश की चिंता खाए जा रही और जिनके हाथों में देश है वो देश से खाए जा रहे हैं हाँ ये बात ये है हमारे लेकिन पाकिस्तान हो चाइना हो दो दो कौड़ी के देश है इनके लिए काहे कलम बर्बाद करते कुछ न लिखो पाकिस्तान को हम ऐसे चैलेंज करते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं तुम कश्मीर ले लोगे ये इंडिया के लड़के हैं जब गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं देते तो तुमको कश्मीर कहाँ से दे देंगे तो ये हमारे देश का चाइना है चाइना से हम कहते हैं तुम बटन जैसी आंखें हैं तो हमारे देश पे गड़ाए बैठे हो चाइना से कहते हैं कि तुम हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो हम लोग चाय को हाँ बोलते हैं और तुम चाय को ना बोलते हो तो इसलिए चाइना और चाइना में अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो वह चाइना में एक दीवाल है चाइना वाल तो हमने चाइना से कहा कि तुम्हारे पास एक वाल है और हमारे वहाँ अग्रवाल मोदन वाल जायसवाल और सबका बाप केजरीवाल हमारे यहाँ इतनी वाल केजरीवाल मिल गए दिल्ली में खांस रहे थे हमने कहा यार तुम आम आदमी हो कि खांस आदमी इतना खांसते हो इतना खांसते हो तुम जो दिल्ली के खुदा हो कहीं नहीं खुदा नहीं है हम कहा क्यों बोले खुदा न खांसता खुदा जो है वो खांसता नहीं हम तो सौ बार खांसते बहुत अच्छा पढ़ा रमेश भैया बहुत सरल है कीर्तन गाने के पहले पंडिताएं करते थे कथा वथा कहने जाते थे एक बार एक गांव में कथा कह रहे थे तो इन्होंने कहा श्रोताओं से कि देखो ऐसा है जो कथा कहता है जो व्यास है उसके मुंह से गंगा जी प्रवाहित होती है तो ध्यान से सुनो कथा वो गया घर थोड़ी देर बाद एक पुड़िया लेके आया और जैसे कथा कहने लगे इनके मुंह में झोंक दिया उसने तो कहा यार ये क्या चीज इसमें कोई स्वाद नहीं ये पुड़िया में क्या है कहीं नहीं आपने कहा था कि आपके मुंह से गंगा जी प्रवाहित हो रहे हमें बाबा की अस्थियां धरी रही हरिद्वार नहीं जा पाए तो हम कहा जब गाँव में गंगा आ गई तो लाओ प्रवाहित कर दे बहुत अच्छा अभी शनि देव की बात बता रहे थे एक आदमी इनके पास आया उसने हाथ दिखाया कहा गुरु बताओ बहुत परेशानी तो ये हाथ देखे कहे देखो तुम्हारे ऊपर शनि की ढैया चल रही सौ रुपया निकालो तो कहे गुरु सौ रुपया तो नहीं तो कहें पचासे लाओ अब इनका लगी रही कि कुछ ना कुछ मिल जाए तो उसने कहा पचासो कहीं कई कहीं नालायक पांच रुपया तो लेके आए हो कहीं पांचों नहीं कहीं जब तुम्हें जेब में टका नहीं तो सनीचर तुम्हार का कहीं नहीं तो ऐसी स्थितियां हैं देवी देवता हमारे देश में बहुत हमारे राजेश सिंह बैठे हुए सुहाई बाग से आए हैं अब बहुत दिनों से कीर्तन सुन रहे हैं और राजेश भैया की एक गुण और आप लोग नहीं जानते होंगे ये डांस बहुत बढ़िया करते हैं एक बार एक बारात में राजेश भैया डांस कर रहे थे जब डांस कर चुके तो हमसे बोले मधुप हमारा डांस कैसा लगा हम कहा गुरु नागिन डांस तो बहुत देखे लेकिन अजगर डांस पहली बार देख रहे जोरदार तालियां बजाइए आनंद से रहिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे संतोष भैया का सम्मान हुआ चार पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ता हूँ गुरु कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा ये पत्रकार है और पत्रकार वो होता है जो समाज की विसंगतियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखता कलम ये कलम के सिपाही है और कलम के सिपाही जो है वो देश के लिए समाज के लिए जीते हैं और वो कलम कलम नहीं है जो हकीकत न लिखे तो भ्रष्टाचार के लिए हसिया है भ्रष्टाचार के लिए हसिया है कीर्तन सुनने के बड़े रसिया है और आज तक एक को पान नहीं बेचिन खाली संतोष चौरसिया है जोरदार तालियां बजाइए पत्रकारिता के लिए ये सम्मान में रमेश भैया बार बार कह रहे हैं कि हमें बड़ाई में और कुछ कहो एक बार रमेश सरल के हम गांव गए तो बेचारे हमको पनीर की सब्जी खिलाए जो बड़ा आदमी होता पनीर खिलाता गरीब आदमी कटहले खिलाता
तो हमने कहा रमेश भैया जब कभी हमारे गांव घर आओगे तो हम भी आपको खिलाएंगे, चाहे होटल में खाओ, चाहे घर में खाओ, चाहे ढाबा में खाओ, चाहे नॉन वेज खाओ, चाहे वेज खाओ। कहीं नहीं मधु, जो तुम खाते हो हम वही खाएंगे। हम कहा हम तो जूता खाते हैं, खाओगे तो ऐसी स्थितियां हैं। तो थोड़ा हास्य विनोद भी होना चाहिए, कीर्तन का आनंद आप लोग ले रहे हैं। मैं ज्योति कमल जी से निवेदन करता हूं कि वो इस चक्र में समय तो आपने खैर समय सीमा में काम किया है। कटपीस गाई कि नहीं गाई? गा दी। कटपीस गाना बहुत जरूरी है कीर्तन में, कटपीस का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, जैसे कोरोना काल में जो सैनिटाइजर का महत्व है, उसी तरह कटपीस का भी कीर्तन जगत में बहुत महत्व। लेकिन इतनी छोटी कटपीसों न हो कि लंगोट न बन पाओ। तो एक बार तालियां बजाइए और मैं आदरणीय ज्योति कमल जी से निवेदन करता हूँ। और बार बार रमेश भैया ज्योति कमल जी को बहन जी क्यों कह रहे हो? हमको बहुत खराब लगता है कोई किसी को अगर बहन जी कहता है। एक बार मायावती जी से किसी ने पूछा पत्रकार ने कि आपकी शादी काहे नहीं हुई, अभी तक कुंवारी क्यों? तो मायावती जी ने कहा जिसको पूरा प्रदेश बहन जी कहे तो शादी कौन करेगा। तो ऐसा हमारी हिंदू संस्कृति में है कि बहन के साथ केवल राखी का रिश्ता होता है। क्यों? बहुत अच्छा गुरु गा रहे हो, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी कीर्तन आपको पहली बार सुन रहा हूँ। गुरु कीर्तन हम भी गा सकते हैं, लेकिन डर है कि अगर सांस खींच दिन न लौटे तो पता लगे कोई गारंटी नहीं। हाँ, ये सब है, हर आदमी के पास एक जैसा गुण नहीं होता। बहुत अच्छी साउंड व्यवस्था है आपकी। ज्योति कमल जी थोड़ा सा आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि हमारे श्रोताओं के पास समय काफी ठंड में आप लोग कार्यक्रम दे रहे हैं। क्या नाम? दीपू भैया। आदरणीय दीपू भैया ने 100 रुपये हमको दिए हैं। बोले कि देखो कार्यक्रम में थोड़ा इसी तरह रोचकता बनी रहे। अब दीपू भैया के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमको सुरक्षित जाना है। ऐसा है, हमारे यहाँ प्रधानी का जब पिछले बार इलेक्शन हुआ था तो कई प्रधान खड़े हो गए थे। संतोष भैया, एक प्रधान हमारे पास आए, कहें भैया हम झाड़ू पर खड़े हैं। दूसरे प्रधान आए, कहें हम बेलन पर खड़े हैं। तीसरे प्रधान आए, कहें हम तलवार पर खड़े हैं। तो हम कहा अगर तलवार पर खड़े हो तो बैठे हो ना, नहीं बड़ा खतरा है। समझ लो, तालियां बजाओ। थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, कह रहे हम तलवार पे खड़े, तुम कहा बैठना मत, नहीं तो प्रधानों के लिए बहुत कुछ कहा गया। अब की बार हमसे भी एक प्रधान पिछली बार खड़े हुए थे, हार गए। एक देश के बहुत बड़े कवि फारूक सरल, उनकी दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, प्रधानी का आनंद लीजिए। अक्सर हम लोग समाज में जो विसंगतियां होती उनके लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ के लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कई जगह हमने देखा है कि नाली आई प्रधान जी खा गए, नल आया प्रधान जी खा गए, कॉलोनी आई प्रधान जी खा गए, खरिंजा आया प्रधान जी खा गए, अंत में लैट्रिन आती। समझ रहे हो? तो तालियां बजाओ। हाँ, थोड़ा देर से समझ में आएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ कि एक बार तालियां बजा दीजिए ज्योति कमल जी के सम्मान में, और चार पंक्तियां पढ़ के मैं आमंत्रित करता हूँ। ये कीर्तन मंच ये समाज को क्या देते हैं कि कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं। कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को हम समझाने निकले हैं, घायल पड़े जटायु को हम गोद उठाने निकले हैं। हम निकले हैं शबरी की कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर बनी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकले हैं। ऐसा उद्देश्य, ऐसा पावन और सार्थक उद्देश्य लेके हम कलाकार मंच से अपने कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ठंड बहुत है, तालियां बजाने में थोड़ा दिक्कत है आपको, लेकिन तालियां बजाते रहो। कहीं कहीं क्या होता है, बहुत लोग तालियां नहीं बजाते। एक बार एक कार्यक्रम में था, एक आदमी ताली नहीं बजा रहा था। हमने कहा भाई साहब आप न ताली बजा रहे हो, हमारी कविताओं में हंस भी नहीं रहे हो। कहीं जानते नहीं हम बहुत बड़े आदमी, तालियां बजाने के लिए नौकर डाल रखे। हंसने के लिए हमने कहा हंसते क्यों? कहें बहुत बड़े आदमी, नौकर डाल रखे।
उनकी शादी हो गई, हमको मिले, हमने कहा गुरु शादी हो गई, हनीमून नहीं गए, कहने हम बहुत बड़े आदमी, तो हम कहा इतने भी बड़े न हो जाओ कि हनीमून में तुम ना जा पाओ, नौकरन से काम चलाओ, तो जोरदार तालियां बजाइए। और मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय ज्योति कमल जी से, वो आवे और दोनों कलाकार समय का विशेष ध्यान रखे गुरु हैं। हेलो हेलो, श्रोता अभी बाद में शिकायत करेंगे। हेलो हेलो, ठीक है, बहुत अच्छे। हेलो, तो सुना अभी आप लोगों ने? सुना सुना, क्या बात है भैया। ये फूल जन बन्ना जी आपकी ओर से सौ पद मुद्राएं हैं, महामाई हमेशा अंग संग रहें, कृपा करें। और ये भैया राम खिलावन जी कमंगलपुर आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं हैं। और भैया राम प्रकाश जी जिला पंचायत अध्यक्ष आपकी ओर से 100 पद मुद्राएं हैं। धन्यवाद है आप लोगों ने सुना भैया सरल जी को। वाह, अच्छा क्या समझ में नहीं आया ये बताओ? बताओ, हम कोई अंग्रेजी तो बोल नहीं रहे थे, ना उर्दू अरबी फारसी बोल रहे थे, हम तो हिंदी में ही बोल रहे थे। बिल्कुल, तो आपको क्या समझ में नहीं आया बताओ? आपने कहा हमारी भी समझ में नहीं आया और ये जो लोग बैठे इनकी भी समझ में नहीं आया। देखिए एक बात आपको माननी होगी कि वक्ता से ज्यादा श्रोता महान होता है। बिल्कुल, उसको ये नहीं पता है, वो ये नहीं जानता कि गाना कहाँ से कैसे क्या है, लेकिन वो ये हम और आपको देखकर ही अंदाजा लगा सकता है कि कौन क्या है और कौन क्या बोल रहा है। क्यों दादा? और क्या, बिल्कुल। तो आप ये कहिए कि मेरी समझ में नहीं आया, ये ना कहिए कि इन लोगों की समझ में नहीं आया। हेलो हेलो भैया, ये हमारे चक्र में काहे सीटी बजाते हो आप? कुछ लेना देना हो तो ले दे के मामला फाइनल कर ले। जो भी जवाब आपकी ओर से आया है बिल्कुल बढ़िया आया है, कोई शक नहीं है। और क्या, लेकिन हमने हमारे चचा की बात की थी कि कलम का हर सिपाही है अमर बहार। क्या बताएं? चलो ठीक। अरे जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। Yeah.
की तरफ से आया है, साधु बाबा की तरफ से ये 40 पद मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप आई हैं। वाह बात है। मैं आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ महाराज से। जय हो। धन्यवाद है। बहुत बढ़िया आपने बात कही है, लेकिन लेकिन किंतु परंतु ये आप गा रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। पाकिस्तान वाला कोई नहीं सुन रहा है ना? आपने कहा है, अरे मांगेगा कश्मीर हमारी खींच ही लूंगा खाल। वाह अच्छा अच्छा। मांगेगा कश्मीर हमारी खींच ही लूंगा खाल, पूरे पाकिस्तान तुला पे। मोदी जी ने कहा पूरे पाकिस्तान को तुला पे तोले मेरा एक ही बाल। अच्छा धन्यवाद है। अरे बजरंग दादा देखिए, अगर ये बात पाकिस्तान वाले सुन रहे होते तब तो अच्छा था। और क्या, लेकिन ये बड़ी गलत बात है। कुछ कीर्तन कलाकार खाल खींच लूंगा और मार दूंगा, गोली चला दूंगा। अरे सुनने वाला हो तो कही जाए बात। और क्या, यहाँ केवल हम और आप सुन रहे हैं। इस पे आप लिख सकते थे कुछ और भी दादा, और भी बढ़िया बनता, लेकिन एक खाल खींच लूंगा मार दूंगा। अरे ये तो फिर भी ठीक, लोग आजकल कीर्तन में लिख रहे हैं सुअर बना दूंगा, कुत्ता बना दूंगा। अरे तमाम चीज, अब बताओ ये कीर्तन है। अब हमको क्या है, जैसा आपका गीत आया है जब आप सुनेगा, जब आपकी पंक्तियां प्रयास कर रही हूँ। अरे राम नाम का परचम सारी दुनिया में लहराए, कि 56 इंची सीना तब सार्थक होगा श्रीमान। 56 इंच सीना सार्थक कब होगा? कब? अब ध्यान दें कि 56 इंची सीना तब सार्थक होगा श्रीमान। हमारे दीपू भैया कहाँ गए? दीपू भैया कहाँ गए? अच्छा आ रहे हैं। दीपू भैया जब आपकी पंक्तियों को सुनेगा और अगर अच्छी लगे तो मैं आशीर्वाद चाहूंगी। बहुत अच्छे। 56 इंची सीना तब सार्थक होगा श्रीमान जब, अरे पाकिस्तान की गद्दी पर भी बैठे हिंदुस्तान। सार्थक है जो मेरे शेर, पाकिस्तान की गद्दी पर भी हिंदुस्तान बैठे। और क्या धारा यह है लेखनी 370-35 से हट गया, कश्मीर भी मिल गया, अब पाकिस्तान की बारी है। अब कहेंगे नहीं सीधे चढ़ाई कर दिया। चलो रे लग जाओ।
के छप्पन इंची सीना तब सार्थक होगा श्रीमान, के पाकिस्तान की गद्दी पर भी बैठे हिंदुस्तान। और क्या चाहिए? क्या कश्मीर तो मुक्त हुआ मिल जाए पाकिस्तान। अच्छा किसकी है? बिल्कुल। अरे हमारे चाचा जानते हैं, ऐसी जानकारी रखते हैं। अरे गांव की महिलाएं अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो तो कंडा पाते पाते आधा पाकिस्तान उनका। समझो, ऐसा समझ लीजिए पाकिस्तान ऐसे ही मिल जाएगा। बिल्कुल। तो चार गांव की औरतें हमारे यहाँ ग्राम की औरतें चली जाए और कंडा पाते पाते आधा पाकिस्तान अंडर में कर लेगी। चाचा समझ रहे हैं? बिल्कुल। कश्मीर तो मुक्त हुआ मिल जाए पाकिस्तान। धन्यवाद है। और ये भैया हमारे रोहित ग्राम बन्ना, अच्छा ये गांव है, धन्यवाद है बताने के लिए। रोहित भैया आप ग्राम बन्ना निवासी हैं, आपकी ओर से 51 पद उतराए हैं, धन्यवाद है। हमारी कल्याण करें, भंडार भरें। बिल्कुल। तो पाकिस्तान